मैं साइलेंस सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, ये नंबर सिस्टम की हम लोगों का तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्टों को आप सभी ने देखा और आपकी तरफ से हम सबको बहुत सारा प्यार मिला। और फ्रेंड्स, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने उस वीडियो को पसंद किया और आपने अपने सभी फ्रेंडों के बीच में उसे शेयर किया। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स, आगे भी जो वीडियो हम लोगों का आएगा उसे आप इसी तरह से प्यार देंगे और इसी तरह से आप उसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हम लोगों की वीडियो है रिमाइंडर्स थ्योरम पे। आज हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम को समझेंगे क्योंकि रिमाइंडर्स थ्योरम नंबर सिस्टम का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो रिमाइंडर्स थ्योरम से क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी परेशान करते हैं, और वो परेशानी इस वजह से होती है क्योंकि रिमाइंडर्स थ्योरम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम उसको समझ नहीं पाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को हम याद कर लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको ऐसे करना है। बट हमें आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एकदम जीरो से लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि शेषफल क्या होता है या शेषफल कैसे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप नोट्स बना के खूब अच्छे से उसको लिखना स्टार्ट करिएगा, जो कि आपके आगे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा और आपको एक बार रिवाइज करना होगा तो उस नोट्स को आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल की। शेषफल कब आता है? तो शेषफल तब आता है जब हम डिवाइड देते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन में शेषफल आता है? तो नहीं, ना तो मल्टीप्लिकेशन, ना एडिशन, ना ही सब्सट्रैक्शन में आता है। शेषफल आता किस में है? तो शेषफल आता है केवल डिवाइड देने में। जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर हमको मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब बात होती है फ्रेंड्स कि अगर सर हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 44 को डिवाइड किया किससे? 6 से। अगर हम 44 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या कहोगे कि सर 7 टाइम जाएगा, 6 7 जा 42, तो यहां रिमाइंडर कितना बचा? इसको हम घटा देते थे और रिमाइंडर आता था हमारा प्लस का 2। यही तो आप डिवीजन करते थे, ऐसे ही सब लोग डिवाइड करते हैं। और इसी को आप क्या कह देते हो कि सर शेषफल हमारा कितना बच गया? प्लस का 2। तो फ्रेंड्स, अब मैं कहता हूं कि अगर इसको हम 7 टाइम ना जा करके इसी 44 से डिवाइड करें और हम 8 टाइम्स जाएं तो 8 छक कितना हो जाएगा? 48, 48 होगा। और जब आप घटाएंगे तो 44 में से 48 घटाएंगे तो 4 आएगा, और इसमें साइन किसका, कौन सा सिम बड़ा है? आपका 48 बड़ा है, तो उसके आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और हम इसको क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। अब आपके सामने एक डाउट होगा कि सर 44 को 6 से ही दोनों जगह भाग दे रहे हैं, लेकिन आपने एक जगह कहा कि माइनस का 4 शेषफल आएगा और आपने एक जगह कहा कि प्लस का 2 शेषफल आएगा। फिर तो हम कंफ्यूज हो गए कि हम आंसर क्या टिक करेंगे, प्लस का 2 टिक करेंगे या माइनस का 2 टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आपको समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिमाइंडर्स थ्योरम की, कि आपका शेषफल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। शेषफल क्या होता है फ्रेंड्स? तो हमेशा शेषफल पॉजिटिव होता है, तो हमको पॉजिटिव शेषफल टिक करना है। यहां तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है तो यहां तो हमारा आंसर, ऑफ कोर्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या होगा? 2 होगा। बट यहां पे क्या होगा कि माइनस का रिमाइंडर 4 आ रहा है, किससे डिवाइड करने पे? 6 से डिवाइड करने पे। और जबकि शेषफल कभी भी माइनस नहीं होता है, तो जब शेषफल माइनस में आए तो आपको क्या करना है? इसको इसमें से घटा देना है, मतलब 4 को 6 में से आपके घटाना है, और 4 को अगर 6 में घटा देंगे आप तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंबल आप मत देखिएगा, बस माइनस अगर मिला तो 4 को 6 में से 4 को घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और क्या यही तो 2 ये वाला था जो सेम हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? शेषफल 2 जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि सर अगर 44 है या कोई भी नंबर है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम 7 टाइम्स जाएंगे तो प्लस 2 आएगा, और एक बार एक्स्ट्रा
वन टाइम्स मोर और जाएंगे तो हमारा माइनस में शेषफल मिलने लगता है। तो अगर प्लस मिला तो वही हो जाएगा और माइनस मिला तो हम उसको 6 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा पॉजिटिव का शेषफल मिलने लगेगा। क्लियर है इतनी बात? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे कि सर अगर 6 है और इससे हम 44 में डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, तो हमारा शेषफल प्लस का 2 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा। तो फ्रेंड्स अब इन चीज़ों को ध्यान से समझिए क्योंकि बार बार हमको ऐसे तो करना नहीं है, हमको तो क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से सोचना है। तो अगर 44 है 6 से डिवाइड किया तो प्लस का 2 आएगा या तो माइनस का 4 आएगा। अब बात होगी कि सर ये देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ प्लस का 2 आ रहा है और ये माइनस का 4 आ रहा है और इस 2 को और इस 4 को अगर हम ऐड करें तो 4 और 2 मिलके कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। इस 2 और इस 4 को ऐड करें तो मिलके कितना बना रहा है, 6, जो कि इसके इक्वल है कि नहीं है, है ना। तो यही चीज़ यहाँ से होती है कि अगर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो दोनों प्लस और माइनस का जो शेषफल आता है उन दोनों को अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, जिससे आप डिवाइड दे रहे थे उसके बराबर होगा। क्लियर है? फिर से एक हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने लिया 51 और आपको डिवाइड करना है 7 से, तो आप कहेंगे 7 जब 49 अगर आया तो 51 माइनस 49 करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया रिमाइंडर। अब आगे बात होगी कि अब एक बार और अगर 51 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 होता है और 56 में से अगर 51 करेंगे तो माइनस का 5 आ गया। आया कि नहीं आया माइनस का 5? और माइनस के 5 अगर ये आया, यहाँ 7 आ गया तो रिमाइंडर का अगर माइनस में रिमाइंडर है तो इस 5 को इस 7 में से घटा देंगे तो फिर हमारा प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर चाहे हम प्लस का रिमाइंडर लें चाहे माइनस का रिमाइंडर लें उससे हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस का रिमाइंडर होगा तो वो डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, और अगर रिमाइंडर माइनस का आएगा तो हमको उसको 7 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा और फिर वो प्लस का 2 दे देगा। तो एक स्टेप आपका बस बढ़ जाएगा कि अगर रिमाइंडर लास्ट में आपका माइनस फॉर्म में है तो आपको उसको इस जिससे आप भाग दे रहे थे उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब एक पॉइंट और देखिए और इसको नोट कर लीजिए कि जैसे समझिए यहां पे, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पे 7 × 49 किया तो यहाँ शेषफल कितना मिला भाई, 7 को 51 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 × 49 किया तो यहाँ रिमाइंडर हमको कितने का मिला, प्लस 2 मिला। अब ये प्लस 2 तो हमने लिख लिया, अब यहाँ के लिए आप क्या करोगे कि आप 7 × 8 = 56 जाओगे, तो बार बार ऐसे हमको दो बार डिवाइड करना पड़ रहा है ना, तो हमको यहीं से समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट हम माइनस वाला लिख सकते हैं क्या, या माइनस दिया है तो डायरेक्ट प्लस वाला लिख सकते हैं क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ध्यान से समझिए, जैसे आपने क्या कहा कि ये 4 और 2 मिलकर क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, और जो नीचे भी 6 है इसका मतलब ये दोनों सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहां भी जो निगेटिव वाला आएगा ये और ये जो भी होगा ये दोनों मिलकर 7 होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 7 लाने के लिए 5 में क्या ऐड करोगे तो 7 आएगा, तो आप कहोगे कि सर 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, इस 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 7 आ जाए, तो हम 2 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ माइनस का 5 होना चाहिए, और यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि अगर 51 को हम 8 टाइम्स जाते हैं तो 56 आएगा और माइनस का 5 आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है? अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 62 और डिवाइड किया 13 से, तो आप क्या कहोगे कि सर 13 × 5 = 65 होता है, 13 × 5 कितना हो गया, 65, और 65 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो सर यहाँ तो माइनस का 3 आ गया। तो यस, ये माइनस का 3 होगा फ्रेंड्स, लेकिन अब पॉजिटिव अगर बताना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम सोचेंगे कि सर ये 3 है और यहाँ 10 अगर लिख दें तो 10 और 3 मिलके क्या बना देगा, 13 बना देगा। नहीं, तो आप इस 3 को इस 10 13 में से घटा दीजिए तो ये वाला आ जाएगा, क्या आ गया आपका, प्लस का 10 आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया फ्रेंड्स। तो हम यहां से भी तो कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर कोई एक भी हमको पता है, चाहे वो निगेटिव पता है तो हम पॉजिटिव निकाल लेंगे, अगर हमको 10 पता होता तो 10 को 13 में घटाते तो हमारा 3 आ जाता, या हम डायरेक्ट सोच लेते कि 10 है यहां 3 लिख दें तो 10 3 मिलकर क्या बना देगा, 13 बना देगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर पॉजिटिव 10 आएगा, अगर मान लीजिए प्लस 10 अपॉन 13 रिमाइंडर आता तो हम कहेंगे कि 13 से 10 छोटा है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, छोटा है ऊपर वाला, और पॉजिटिव है तो कोई चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यही मेरा शेषफल हो जाएगा। लेकिन जब यही माइनस 3 अपॉन 13 लिखा होता तो आप कहते कि सर ये 3 तो छोटा है, रिमाइंडर तो होगा, शेषफल तो ये होगा, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सर रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है और ये तो निगेटिव है। तो ये निगेटिव है तो हमने क्या सीखा है कि निगेटिव को है तो इसको नीचे वाले में से घटा दीजिए, तो 3 13 में से अगर 3 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 10। तो आप कहेंगे कि सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और देखिए यहाँ भी आ रहा था प्लस का 10। तो चाहे हम पॉजिटिव लें चाहे हम नेगेटिव लें, अगर पॉजिटिव लेंगे तो वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और नेगेटिव लेंगे तो उसको नीचे वाले में से जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें से एक बार उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पॉजिटिव लेना है कैसे निगेटिव लेना है, और इन दोनों में से अगर कोई भी एक पता है तो दूसरा वाला हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि अगर दो मल्टीप्लीकेशन में क्यों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्यों माइनस ले रहे हैं आप, क्या जरूरत पड़ गई माइनस लेने की, हम तो पॉजिटिव ही शुरू से पढ़ते आए हैं कि रिमाइंडर हमारा प्लस में होगा और उसी से हम आगे काम कर सकते हैं, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो उसको आप देखिए कि उसको समझने की कोशिश किया जाए कि माइनस रिमाइंडर को हमको लेना क्यों जरूरी है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा आपके सामने कि 29 0 और 29 0 27 ये लिख लिया, और एक और मल्टीप्लाई लिखा कि 29 और 31 ये लिख लिया, मान लीजिए ऐसे लिख लिया, और डिवाइडेड बाई हमने 29 कर दिया। फ्रेंड्स आई होप ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, हमने क्या लिखा 29027 इंटू 2931 डिवाइडेड बाई 29। अब अगर आपको ये डिवाइड ये दे दिया जाए एक्सप्रेशन और आपसे पूछा जाए कि यहाँ का शेषफल क्या होगा आप बताइए, तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे इसको पूरे को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे फिर 29 से डिवाइड करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल पहले आपको इसको डिवाइड करना है। अब ये बताइए 29 से 290 10 बार में चला जाएगा, बचा कितना 27, और आपको पता है कि 29 से 27 छोटा है तो डिवाइड जाएगा नहीं, अगर नहीं डिवाइड जाएगा तो हमारा शेषफल 27 ही बच गया कि नहीं बच गया। अब एक चीज बताओ आप, अगर प्लस का 27 बचा तो माइनस का कितना बचेगा? तो आपने अभी पढ़ा कि सर यहाँ प्लस का 27 है तो निगेटिव वाला ऐसा होना चाहिए कि ये और ये दोनों ऐड होके 29 के बराबर चले जाएं, तो ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया। तो हमको यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ा, हम इसी को देख के माइनस वाला लिख दिए। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं अगले पार्ट पे, तो यहाँ 29 से ये 29 कट जाएगा, बचा 31, और 31 29 से क्या है फ्रेंड्स, बड़ा है, और अगर बड़ा है तो एक टाइम जाएगा कि नहीं, एक बार जाएगा, तो 29 से कम 29 होगा, बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ पॉजिटिव का 2 बच रहा है। और फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव का 2 बच रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि निगेटिव का क्या बचेगा? तो आप कहोगे कि सर निगेटिव का 27 बचेगा क्योंकि 27 और 2 मिलकर 29 बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात होती है फ्रेंड्स कि हमको लेना क्या है सर, अब हमको अगर इसका रिमाइंडर बताना होगा शेषफल तो हम करते क्या? तो देखो आप करते क्या, इसको आराम से समझो। जैसे आपके पास पहला ऑप्शन क्या होता, आप ऐसा करते कि दोनों अगर आप निगेटिव नहीं पढ़े होते, ये निगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते, तो आप क्या करते कि दोनों पॉजिटिव में लेते, ये प्लस का 27 लेते और ये प्लस का 2 लेते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 29, यही करते आप। अब 27 इंटू 22 करते तो आपका 54 आ जाता और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता, 29 आ जाता। और अब यहाँ पे होता तो आप एक टाइम्स जाते और उसके बाद जो शेषफल आता आप लिख देते। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि 15 आएगा ना,
आपका शेषफल कितना आएगा 29 चला जाएगा तो आपका आएगा 25। ये आ गया प्लस का, क्लियर है यहाँ तक। तो 25 अगर आपका शेषफल यहाँ से आ गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर 29 से हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 29 से डिवाइड करना पड़ा, डिवाइड करने के बाद प्लस 25 हमारा आंसर आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम करें, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे एक बार डिवाइड करें और आंसर बताएं। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बचता है कि सर या तो दोनों निगेटिव ले ले, मतलब या तो ये ले लेते और या तो ये ले लेते। अब ये बताओ आप, अगर दोनों निगेटिव लोगे तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 27 करोगे डिवाइडेड बाई 29, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 दूना 54 हो गया, तो 54/29 आ गया। और ये तो फिर सेम क्वेश्चन हो गया और यहां पे फिर प्लस का 25 रिमाइंडर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब बात आती है तीसरा पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सर हम छोटा लेंगे, हम यहां देख क्या रहे हैं कि ये 2 की वजह से हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये 27 जो है ये मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा कर दे रहा है। तो ऐसा हम ना करें कि यहां पे जो छोटा छोटा है बस उसको लें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो निगेटिव हो। तो यहां पे आप देखो कि ये इस वाले टर्म का ये माइनस वाला छोटा है और इस वाले टर्म का ये प्लस वाला छोटा है कि नहीं। तो क्या हम इन दोनों को नहीं ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो आप ले लीजिए, बस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंबल जो होंगे उनके चिन्ह जो होंगे उनके गुड़े में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है यहां तक। तो अगर तीसरे पॉइंट पे हम जाते हैं तो हम कहेंगे कि सर यहां से माइनस 2 ले लेते हैं और यहां से क्या ले लेते हैं प्लस 2, तो ये बताओ डिवाइडेड बाई 29 यही तो आया, और ये अगर आया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दुना कितना आ जाएगा 4, तो इसका मतलब और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 4/29 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यहीं से हम डायरेक्ट सोच लेते कि ये माइनस है सर और ये प्लस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 दुना 4 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ कितना जाता माइनस का 4 आता। और हमको पता है कि जब भी रिमाइंडर हमारा माइनस में आएगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे वाले से क्या करेंगे, उसको सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बताओ 29 में से 4 घटाओगे आप तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, जो कि यहाँ आ रहा था ना। तो हम यहीं से डायरेक्ट नहीं बोल देते कि सर 2 दुना 4 और प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस और माइनस 4 आ रहा है, तो माइनस 4 को अगर 29 में से घटा देंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। तो हम इस तरह से हमारा ये प्रोसेस और ये प्रोसेस में जो ये एक्स्ट्रा हमको मल्टीप्लाई करके हमको डिवाइड करना पड़ रहा है, इससे तो हम बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप का कोई भी नंबर आए जो बड़ा हो, जहां रिमाइंडर हमको बड़े बड़े मिल रहे हों, तो एक चीज समझ लो, या तो पॉजिटिव का बड़ा मिलेगा तो निगेटिव छोटा मिलेगा, निगेटिव बड़ा मिलेगा तो पॉजिटिव छोटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही दोनों मिलके तो ये हो रहे हैं, तो अगर ये बड़ा है तो ऑफकोर्स ये छोटा होगा, और ये अगर छोटा है बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो प्लस माइनस में से कोई एक तो छोटा मिलेगा आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सा छोटा है, उसको आपको पिक करना है और वो वर्बली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर पॉजिटिव आ गया तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, अगर वो निगेटिव आ गया तो नीचे वाले से जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे आप उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, तो वो आपके पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इसी को प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लिख रहे हैं, आप साथ साथ आप भी ट्राई करिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 2662 × 407 × 13037 / 30, मान लीजिए हमने एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लिखा कि इसको इसका शेषफल आपको बताना है, तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में? तो सबसे पहले हम यहां डिवाइड करते हैं, तो ये बताओ 13 दुना 26 ये तो कट गया, और ये क्या होता है, तो हमको पता है कि सर 13 ये किसके नजदीक है, तो 13 × 5 = 65 के नजदीक है कि नहीं है। तो 13 × 5 = 65 अगर जाएंगे तो ये 65 से कितना छोटा है, तो 3 छोटा है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि सर माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर पॉजिटिव अगर लिखना होता तो ये 3 है तो पॉजिटिव का 10 आएगा, क्योंकि 3 और 10 मिलकर क्या बनाएंगे 13, जो कि इसके इक्वल है, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये तो वेस्ट है, हम लिख रहे हैं यहां बस समझाने के लिए, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको तो बस छोटा वाला लेके चलना है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे चलते हैं,
है। तो ये क्या होता है, 13 तिया 39, भाई 13 तिया 39, बचा कितना एक, ये 17 आया। अब देखो 13 एक कम 13 और बचा कितना 4 बचा, तो यहाँ पॉजिटिव का 4 हमारे लिए छोटा है। अगर यहाँ पे हम निगेटिव में जाते तो निगेटिव का हमको कितना लेना पड़ता, तो माइनस का 9, क्योंकि 9 4 मिलकर कितना बना देगा, 13 बना देगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ आते हैं तो 13 दहम 130, ये तो कट गया आपका। अब ये 37 है, तो ये बताओ 13 तिया 39, इसके नज़दीक में इसका मल्टीपल क्या जाएगा, 39 जाएगा। तो 13 तिया 39 और 39 से ये कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो हम कहेंगे कि सर माइनस का 2 जाएगा। और अगर पॉजिटिव लेना होता तो प्लस का 11 जाता कि नहीं, क्योंकि 11 और 2 मिलकर क्या बनाता, 13 बनाता। अब ये देखो आप कि इनका तो कोई यूज ही नहीं है, अगर इसके थ्रू भी जाए तो हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल कौन पिक करेंगे, जो छोटे छोटे हैं। अब देखो ये वर्बली हो जाएगा। अब ये आप बताओ 4 तिया क्या होगा, 12, 4 तिया 12, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 12 तो आ गया यहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 12 आ गया। और ये बताओ ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ गया, तो माइनस का 12 ये आ गया और मल्टीप्लाई विथ माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस और 12 दूना 24, इसका मतलब 24/13 आया कि नहीं आया, आया ना, और पॉजिटिव आया। अब ये बताओ अगर 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 एक कम 13, बचा कितना 11, बचा कि नहीं बचा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आंसर 11। अब कुछ लोग ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि सर 13 दूना 26, बचा कितना माइनस का 2/13, और माइनस अगर रिमाइंडर आया तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसको इसमें से घटा दिया करिए, क्यों, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर नीचे वाले सेम बनाना चाहिए। तो ये बताइए 13 है तो अगर माइनस का 2 है तो पॉजिटिव का कितना होगा, तो प्लस का 11 होगा, तभी तो ये 13 बनेगा। या तो हम ऐसे सोचें या तो हम डायरेक्ट इसको 2 को 13 में से क्या कर दें, घटा दें, तो प्लस 11 आ गया, यहाँ से भी वही आ रहा था। अब यहाँ से अगर आप पॉजिटिव वाला बड़ा बड़ा भी लेके करेंगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो मेरा समझाने का बस मतलब ये था, सेसफल में आपको सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही समझना पड़ेगा कि सर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, हमको कौन सा लेना है, हमको छोटा छोटा वाला लेना है जिसका सेसफल छोटा है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में हमारे लिए ईजी होगा, एग्जाम में हम उसको वर्बली अपने डेस्कटॉप पर देखते ही हम उसको आंसर मार सकते हैं उस तरह से। क्योंकि अगर ऐसे आता तो हम 4 तिया 12 दूना 24 कर लेते और माइनस माइनस प्लस प्लस 24 करते, 13 एक 13 प्लस 11 11 आंसर मारते आगे बढ़ जाते। ऐसे क्या होगा कि आपको 10 लेना पड़ेगा, और मान लीजिए यहाँ अगर सब पॉजिटिव लेते तो ये 10 लेते, ये 4 लेते, ये 11 लेते, तो 10 चौक को 40 और 40 में 11 का गुणा करते एक बड़ा सा नंबर आता, फिर आपको उसमें 13 से भाग देते, फिर आपका सेसफल निकलता। तो आपको कहीं ना कहीं पेन कॉपी की यूज करनी पड़ती, यहां से आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए अब किसी को डाउट हो रहा हो कि सर अगर मान लीजिए कि बीच में प्लस आ जाता, अब ये मल्टीप्लिकेशन ना होता, इसके बीच में प्लस आ जाता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते फ्रेंड, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो ऐड कर लेते या सब्सट्रैक्ट कर लेते। जैसे समझिए, जैसे यहाँ 3 आया तो हमने -3 लिखा, यहाँ 4 आ रहा था तो प्लस का 4 हो गया, यहाँ माइनस का 2 आ रहा था तो माइनस का 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई 13 था तो हमने 13 कर लिया। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इनके बीच में हम मल्टीप्लीकेशन डाल दिए तो ये आ गया हमारा। अगर इनके बीच में एडिशन है, प्लस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, प्लस कर देंगे। अब ये बताइए ये प्लस और ये अंदर माइनस, तो प्लस माइनस मिलके ये क्या बना देगा, ये तो माइनस बना देगा कि नहीं बना देगा। अब ये बताओ -3 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, -5 और ये +4/13, और ये जब घटेगा तो -1/13 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, और अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा तो -1 को हम क्या करेंगे, 13 में से घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, +12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और प्लस का 12 हमारा जब ये पॉजिटिव होता तो रिमाइंडर आ जाता, अब नहीं होगा तो आप इसको अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, बैठ के इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आप 13 से भाग देंगे। क्लियर है? आपका टाइम बचेगा। अब किसी का क्वेश्चन हो जाता कि सर यहाँ अगर माइनस होता तो क्या होता,
भाई यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें, आप हर एक पहलू पे बात करके देखिए, आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन जनरेट होते हैं उन सबको यहाँ पे समझा जाए, अगर माइनस आएगा तो क्या होगा। तो ये बताइए फ्रेंड्स, अगर माइनस आएगा तो ये तो माइनस थ्री था, ये तो प्लस चार था हमने लिखा, और ये माइनस टू था, तो इसको कोष्टक में कर दे रहा है। अब इनके बीच में माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये बताओ, ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब ये बताओ, ये तो माइनस तीन, ये माइनस चार हो गया और ये प्लस दो हो गया, तो चार तीन कितना बनाएगा, ये तो माइनस का सेवन हो गया और ये प्लस का टू, और माइनस सेवन प्लस टू इसका मतलब माइनस फाइव, और बटे क्या हो जाएगा थर्टीन, यही तो बनेगा। और ये बताओ, माइनस में कभी रिमाइंडर होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो इसको हम इसमें से घटा दें, तो पांच को तेरह में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आठ, और ये प्लस का आठ इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर होगा जब ये माइनस में होता। तो प्लस में होगा तो भी हम कर सकते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, माइनस में होगा तो भी हम कर सकते हैं, और गुणे में होगा तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबका की पॉइंट क्या है, सबका एक ही तरीका है कि हमको डिवाइड करके जो छोटा रिमाइंडर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमको छोटा लेना है, और अगर रिमाइंडर हमने निकाल लिया छोटा वाला, अब उसके बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन है तो ऐड करेंगे, और सब्सट्रैक्शन है तो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो नीचे वाले से घटा देंगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गए कि एक टाइप के क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या बात होगी कि सर अगर यही जो क्वेश्चन है ये अगर घात में पावर के टर्म में आने लगेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, और एग्जाम में ये भी आता है बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि पावर पे फॉर्म में जब आएगा तो कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, आइए देखते हैं उसको भी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से आ जाता है, 2 to the power 63 डिवाइडेड बाई 9। फ्रेंड्स इस टाइप के पावर, ये जो घात है, इस टाइप के आप क्वेश्चन अपनी बुकों में देखते होंगे, या अगर आप प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखते होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता होगा। वहाँ पे थोड़ा सा इससे बड़ा मिलेगा बट हम लोग बेसिक उठा रहे हैं, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम इससे बड़े क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे दो तीन पॉइंट नोट करना होगा, आप नोट करते हुए चलिएगा, मैं बताऊंगा, और क्योंकि वही हर क्वेश्चन में आपको वही काम करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ करना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखते ही आपको ये सोचना है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर 2 के घाते 63 है, 2 to the power 63 है, तो क्या हम इसको 2 को 63 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्या, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 को 63 बार गुणा कर सकें और उसके बाद 9 से उसमें भाग दे सकें, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो घात होता है या जो पावर होता है इसका फर्क किसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसका फर्क किसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपने सही सोचा, किसके ऊपर नहीं पड़ता है इसका फर्क, तो 1 के ऊपर नहीं पड़ता है। अगर 1 के घात हम 10 लिख दें तो 1 को 10 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 के घात अगर हम 512 लिख दें तो भी 1 आएगा, और 1 के घात हम XYZ कुछ भी लिख दें तो भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि हमारा रास्ता कहां से खुल रहा है, तो इसको सॉल्व करने का जो रास्ता है वो 1 ही दिखाएगा, 1 हमारा क्वेश्चन को इजी कर देगा। अब बात आती है कि 1 हम लाएं कैसे, क्योंकि 1 के ऊपर घात का कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि 1 के ऊपर पावर या घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 1 ही रहती है। क्लियर है? हाँ, अब एक पॉइंट यहाँ पे और आप लिख लीजिएगा कि अगर माइनस वन है आपके पास, और -1 के पावर अगर सम है, इवन है, -1 की पावर में अगर इवन है तो ये रिजल्ट +1 देता है। भाई -1 को 2 बार अगर आप गुणा करोगे तो -1 +1 देगा ना, तो 2 बार में भी देगा, 4 बार में भी देगा, 6 बार में भी पॉजिटिव देगा। इसका मतलब अगर इवन टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, सम बार इसको गुणा करोगे तो प्लस मिलेगा। और यही अगर
माइनस वन को हम विषम टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार। तो यहां ये बताओ, एक बार और अगर हम माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देते तो ये माइनस प्लस देता, और ये फिर प्लस और माइनस क्या दे देता, हमको माइनस दे देता। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर माइनस के घात में विषम है तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा माइनस वन मिलता है। तो इस दो पॉइंट को आप यहां से तीन पॉइंट लिखिएगा कि वन टू दी पावर कुछ भी पावर हो, रिजल्ट हमेशा वन ही आता है, उसके ऊपर पावर का फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि माइनस वन टू दी पावर अगर इवन है, सम है, सम संख्या है, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, प्लस वन आता है, और माइनस वन टू दी पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो हमारा रिजल्ट माइनस वन आता है, क्योंकि इसी का रोल सबसे ज्यादा यहां पे है। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं आगे कि सर ये बताइए कि माइनस वन को तो हम समझ गए, लेकिन यहां माइनस वन लाए कैसे? तो आपको क्या करना है, आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? तो आपको बस इतना सोचना है कि ये जो नीचे वाला टर्म होता है, ये जो नीचे वाला टर्म नाइन है, तो नाइन से एक ज्यादा या एक कम, हाँ अगर ऊपर हम बना दें, नौ से एक ज्यादा या एक कम अगर ऊपर हम बना दें, जैसे समझिए, जैसे हम एक ज्यादा मतलब दस बना दें ऊपर और नीचे नौ है, तो नौ से दस में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव वन आएगा, आएगा कि नहीं? और अगर एक कम हो जाए मतलब आठ ऊपर आ जाए और नीचे नौ हो जाए, तो नौ से आठ में भाग देंगे तो आप कहोगे कि भाई नाइन से आठ में भाग दे रहे हैं तो जाएगा ही नहीं। तो आप तो कहोगे कि सर शेषफल क्या आएगा, प्लस का एट आएगा। और अगर शेषफल प्लस का एट आएगा और हम एक बार चले भी जाएं नौ एकन्नम नौ, तो यहां माइनस का क्या आएगा, वन आएगा। इसका मतलब कि प्लस का वन आएगा तो प्लस का एट आएगा तो माइनस का शेषफल क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। इसका मतलब कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि नौ से आठ में भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, माइनस वन आएगा। क्लियर है? तो या तो प्लस का वन आ जाएगा या तो माइनस का वन आ जाएगा। और इसके आगे अभी हम लिख चुके हैं कि अगर इस माइनस के ऊपर घात सम है तो प्लस वन देगा, और अगर विषम है तो माइनस वन देगा। तो इसका मतलब हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए, तो पूरी नजर हमारी ये होनी चाहिए कि इसको ऐसा बनाया जाए कि इससे या तो नीचे वाले से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। तो यहाँ अगर जैसे ही हमने 9 देखा तो हम यहाँ क्या सोचेंगे कि हमको यहाँ 10 या 8 बनाना है। अब ये बताओ 2 के पावर से 2 के पावर में अगर तोड़ोगे आप तो क्या 10 बनता है कि 8 बनता है? तो आप कहोगे कि 8 बनता है, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ हम 8 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो फिर क्या बनेगा हमारा, तो ये कहेंगे 2 टू दी पावर 3, और होल टू दी पावर कितना, क्योंकि ये तो 8 हो गया, 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। अब ये बताओ ये टोटल 63, तो टोटल 63 है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाए? तो आप कहोगे यहाँ 21 रख दो सर। तो ये 21 रखते ही 21 तीन कितना हो गया, 63 हो गया, तो ये 21 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, तो अब आप कहोगे कि ये 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है, तो 8 हो गया, ऊपर 21 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 9 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, तो 9 से जब 8 में भाग देंगे तो शेषफल माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस के 1 की घाते विषम है कि सम है? तो आप कहोगे सर ये तो विषम संख्या है 21, तो माइनस 1 की घाते विषम, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये बताओ कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता है। अगर माइनस नहीं होता है तो हमको चाहिए क्या, ये पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव लाने के लिए आपको एक में से माइनस वाले को इसमें से घटाना पड़ता है, तो 9 में से 1 जाएगा तो आएगा क्या, ये 8। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 टू दी पावर 63 अपॉन 9 है, तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा, 8 जाएगा।
क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको डायरेक्ट करना होता, अगर आपको, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। आप यहाँ 9 देखते ही यहाँ सोच लेते कि यहाँ 8 होगा, 2^3 होगा, और क्यूब अगर होगा तो ऊपर 21 होगा, और 8 की वैल्यू -1 होती तो -1^21। 21 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो -1 के खाते विषम संख्या हमेशा -1 देगा, तो -1/9, और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, तो -1 को हम 9 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो प्लस का 8 हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे हमको आगे चलना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा सर 63 है, अब ये 63 ना होकर के 2^64 डिवाइडेड बाई 9 होता तो क्या करते? अब ये 2^64 डिवाइडेड बाई 9 होता तो क्या करते? तो आप फिर कहते कि सर 2 का तो 8 ही बन सकता है, 10 तो बन नहीं सकता, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 2 का क्यूब लिखना है। लिख दिया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 9 कर दिया। अब यहाँ 64 है, तो हमको यहाँ ऐसी संख्या लिख दें कि जिससे ये 64 बन जाए। तो क्या 3 64 को डिवाइड कर सकता है? क्या 3 का मल्टीपल है 64? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो 63 होता तो हो जाता, यहाँ 64 तो नहीं है। तो आप जब पूरा न जाए, जैसे यहाँ पे 21 63 पूरा आ गया, अगर पूरा न आए तो जो नियरेस्ट आए, सबसे नज़दीक आए, वहाँ तक जाइए आप। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ 21 लिखोगे, तो 21 3 कितना हो गया, 63 हो गया। तो 63 × 2 तो यहाँ आ गया, अब बचा 64 यहाँ था, 64 × 2 था ना, तो 63 तो यहाँ आ गया। अब एक 2 और चाहिए, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 ये और 1 × 2 ये, टोटल 64 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये बताओ 2^3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 2^3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8^21 × 2 / 9 ये आएगा। और ये बताओ 9 से अगर 8 को डिवाइड करोगे तो -1 से सफल आएगा, और -1 विषम संख्या क्या देगा, -1 देगा। इसका मतलब कि -1 × 2 / 9, तो ये -2/9 आएगा कि नहीं आएगा? और -2/9 आया तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि सर ये जो -2 आ रहा है ये तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो प्लस का 7 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है कि सर मान लीजिए अगर ये 64 की जगह पे 2^65 होता तो क्या होता, डिवाइडेड बाई 9 होता। तो ये बताओ यहाँ पे आप 2^3 और 2^21 तो लिखते ही लिखते, क्योंकि 21 63 हो गया। अब बचा 63 में से 65 जाएगा तो 2, अभी भी 2 × 2 और चाहिए, और 2 × 2 चाहिए तो हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 63 ये, 1 × 64 और 1 × 65। अब डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 9 लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि ये जो 2 × 2 लिखे हैं 2 × 2, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते थे कि 2^2, ये भी तो लिख सकते थे इसको 2^2। क्लियर है? अब ये बताओ 2^3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 8^21 × 2^2 लिखो, या ऐसे ही लिख लो 2 × 2 = 4 और डिवाइडेड बाई 9। ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, -1, और -1 के खाते विषम संख्या क्या देगा, हमेशा माइनस देगा, और -1 ये और प्लस गुड़े 4 ये, तो -1 × 4 / 9, तो -4/9 आ गया कि नहीं आ गया, और -4/9 आ गया तो पॉजिटिव का क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा कि नहीं, रिमाइंडर आएगा, आएगा। तो इस तरह से अगर हमारा, अगर फुली डिविजिबल वाला है, जिससे मतलब कि 3 यहाँ है, 3 से 63 पूरा कट रहा था 21 बार में, तो 21 63 कर लिया, लेकिन हर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आ सकता है। अब 64 आ गया तो नहीं कट रहा है, तो हम 63 बार गए और जितना टाइम एक्स्ट्रा हुआ हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ 1 बार ज़्यादा था तो 1 बार किया, यहाँ 63 हुआ, 2 ज़्यादा हो रहा था तो 2 × 2 = 2 बार कर लिया, और यहाँ से सेम प्रोसेस हमारा हुआ। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं और उसके थ्रू समझाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया कि जैसे मान लीजिए आ जाए कि 3^97 और डिवाइडेड बाई 79। मान लीजिए ऐसे हमने क्वेश्चन ले लिया 3^97 डिवाइडेड बाई 79। अब 79 नहीं हो सकता, ये आएगा 80 होगा, ये होगा 80,
या तो 80 दे देगा या तो क्या करेगा 3 to the power 97 डिवाइडेड बाई 82 देगा। अब ये क्यों देगा 80 और 82, क्यों नहीं यहाँ पे 79 देगा या कुछ और देगा, इसको समझा जाए और इसका सलूशन भी देखा जाए। अब ये बताओ आप कि 3 को अगर आप पावर के टर्म में तोड़ते हो, 3 को घात के टर्म में तोड़ोगे तो 3 to the power 13 होता है, 3 to the power क्या होता है 9 होता है, 3 to the power 3 क्या होता है 27 होता है, और 3 to the power 4 क्या होता है 81 होता है, होता है कि नहीं 3 to the power 4 81। अब ये बताओ अगर 81 हम यहाँ बना सकते हैं तो नीचे 80 होगा तभी तो 1 का डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या तो 80 हो जाए या तो 82 होगा तो ऊपर 81 रहेगा तो 1 का डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही SSC या कोई भी कंपटीशन जो बोर्ड होता है वो ऐसा डिजाइन करके देगी कि इसी में लॉजिक आपका सेट हो रहा होगा, वहाँ 1 का डिफरेंस होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब देखिए क्या होगा। अब ये बताओ आपको समझ में आ गया कि 3 to the power 4 इन दोनों की जगह पे तोड़ना है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 to the power 4 डिवाइडेड बाई 80, और अब क्या करें तो 3 to the power 4 तो यहाँ हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से 97 मिल जाए। क्लियर है? अब ये बताओ अब वो कैसे, अगर हम डायरेक्ट सोच पाते हैं तब तो अच्छा है, नहीं सोच पाते हैं तो क्या करेंगे, तो नहीं सोच पाते हैं तो 4 से 97 में भाग दीजिए, 4 से 97 में भाग दीजिए। तो ये बताइए 4 × 8 दो बार जाएगा तो 4 × 8 हुआ, बचा यहाँ कितना 1 × 17 हुआ, 4 × 4 = 16 तो 24 बार गया कि नहीं गया, और आपको पता है 24 × 4 कितना होता है 96 होता है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अभी भी बच रहा है तो 3 को एक बार और गुणा करना पड़ेगा, तो जिससे यहाँ 3 96 बार हो जाएगा और यहाँ 3 1 बार तो 96 और 1 मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 97 बार। तो जो डायरेक्ट कर सकता है वो डायरेक्ट कर ले, जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है इसमें आप डिवाइड कर दिया करिए किससे, तो जो यहाँ पे पावर आप तोड़ेंगे इससे डिवाइड करिए करिए, जितनी बार जाएगा लिख लीजिए और जो शेषफल आता है उतनी बार इसको 3 को लिखिएगा। तो यहां 1 बच रहा था तो हम 1 बार 3 को लिखेंगे, 2 बचता यही 97 की जगह 98 होता तो हम 3 को 2 बार लिखते, 3 × 3 लिखते। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ 3 to the power 4 कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 3 to the power 4 जो बनाएगा वो 81 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, इसको साफ साफ लिख देते हैं नीचे। तो ये क्या बनाएगा, ये 81 बनाएगा, 81 to the power 24 into 3 डिवाइडेड बाई क्या बनाएगा 80 बनाएगा, यही तो हुआ। अब ये बताओ 80 से 81 में भाग दोगे तो प्लस का 1 शेषफल आएगा या माइनस का 1 आएगा, तो आप कहोगे 81 बड़ा है, 80 से 81 में भाग देंगे तो 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 आएगा शेषफल, और प्लस 1 को 24 टाइम्स गुणा करोगे, प्लस 1 × 1 × 1 × 1 24 बार, तो क्या 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 पे पावर का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ इंटू 3 है तो 3 / 80, और ये बताओ 1 × 3 कितना होगा 3/80। अब ये बताओ क्या ये 3 माइनस में है, तो आप कहोगे नहीं, और क्या 80 से बड़ा है, तो नहीं, 80 से छोटा है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यही आपका 3 क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, तो इसका शेषफल क्या आएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का शेषफल आएगा 3। क्लियर है? अगर ये ऐसे होता तो क्या करते, तो फ्रेंड्स ऐसे होता तो हमको अभी भी ये क्या है 82 है, तो हमको 81 यहाँ बना दें तो हमारा काम तो हो जाएगा, हमको एक शेषफल मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 3 to the power 4 ये बना दिया। अब मान लीजिए ये 97 है, तो 97 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 24 लिख देंगे, और गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 24 × 4 = 96 और 1 × 97 जैसे यहाँ पे हुआ था। अगर यही सेम 98 होता तो हम क्या करते कि जैसे एक 98 पे करा के हम आपको दिखा दे रहे हैं, 98 होता तो हम यहाँ 3 × 3 दो बार लिख लेते, 24 × 4 = 96, 1 × 97 और 1 × 98 डिवाइडेड बाई 82। अब ये बताओ 3 to the power 4 क्या देगा, तो आप कहोगे 3 to the power 4 जो होगा वो 81 देगा, तो यहाँ से अब यहाँ देखते हैं 81 × 3 = 9 और यहाँ 81 का पावर कितना होगा 24 और डिवाइडेड बाई 82,
यही तो देगा। अब ये बताओ आप 82 से 81 में डिवाइड करोगे तो ये एक छोटा है ना इससे, तो जब घटेगा तो माइनस का 1 देगा यहाँ पे। यहाँ से शेषफल क्या बचा? माइनस का 1। अगर माइनस 1 को 24 बार, 24 क्या है? एक सम संख्या है, तो माइनस 1 टू दी पावर इवन नंबर, माइनस 1 के घाते सम संख्या, तो माइनस 1 के घाते सम है तो वो क्या देता है? प्लस 1 देता है। तो ये प्लस 1 और गुणे 9, तो 9 एकन्नम 9 बटे कितना आ जाएगा? 82। और 9 पॉजिटिव है और 82 से छोटा है, तो यही हमारा शेषफल आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? बनेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है, और यहाँ पे हम उसको कोशिश क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला है इससे एक ज़्यादा या एक कम बना दें यहाँ पे, जिससे कि डिवाइड करने पे या तो प्लस का एक शेषफल मिले या तो माइनस का एक, प्लस का एक और माइनस का एक मिलेगा तो उसके ऊपर जब ये घात लगेगा तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, एक के पे घात का फर्क नहीं पड़ता है। और जब नहीं पड़ेगा तो माइनस में होगा तो वो अगर उसके ऊपर इवन टाइम्स है तो पॉजिटिव कर देगा, अगर ऑड टाइम्स है तो वो निगेटिव ही रखेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम आंसर डायरेक्ट 9 मारेंगे, अगर वो माइनस 9 आया होता तो 82 में से 9 को हम क्या कर देते? घटा देते। क्लियर है? अब बात आती है फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर क्या हर क्वेश्चन में ऊपर वाला छोटा ही आता है क्या नीचे वाले से? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर केस में ऊपर वाला छोटा है। जैसे हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ नीचे 9 हो गया और ऊपर आ गया 83 और पावर में दे दिया गया 126, ये दे दिया और आपसे इसका शेषफल पूछा, तो आपको क्या करना है कि जब भी ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, जब भी नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा होगा तब तो आप डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे, तब आपको इसको ऐसे तोड़ना होगा कि इससे और इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका एक आए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा अगर हो गया तो 9 से हम पहले भाग तो दे सकते हैं ना, तो जैसे ही आपको ऊपर न्यूमरेटर अंश का मान हर से बड़ा मिले आप पहले भाग दीजिएगा। तो जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ लिख लीजिएगा कि दूसरा टाइप क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें अंश का मान हर से क्या होगा? बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो हम पहले भाग देंगे, सबसे पहला काम डिवाइड करना। ये डिवाइड करो तो आपको पता है 99 कितना होता है? 81, तो 81 अगर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? तो 2 बचेगा, तो 2 to the power 126 divided by 9। अब इस ये कन्वर्ट हो गया किस में? इसमें भाई 83 था, 9 से भाग दिया, 99 81 बचा कितना? 2, तो 2 के घाते 126 लिख दिया डिवाइडेड बाई 9। क्यों? क्योंकि हमको शेषफल निकालना है तो हम शेषफल लेके चलेंगे। क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे आए वैसे ही आप के मन में एक खुशी आ गई होगी, क्यों? क्योंकि आप तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। अब इसमें करना क्या है? तो सारे बच्चे आप बताइए इसमें क्या करना है, तो आप क्या कहोगे कि सर 2 के पावर क्यूब कर दें, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये अगर 8 बन गया तो 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और उसको उस पावर के हिसाब से चेक कर लेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए 2 to the power क्यूब कर दिया डिवाइडेड बाई 9, अब यहाँ पावर कितना रखें? तो ऐसा रखें कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 126 होता है। अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट रखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से इसमें भाग दीजिए, तो 3 चौको 12 4 बार गया, और फिर 3 दूना 6 2 बार गया, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया। अब ये बताओ 2 to the power क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 8 होती है, और 9 से 8 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है? -1 बचता है। भाई 9 से अगर 8 में डिवाइड करोगे तो 9 एकन्नम 9 करोगे तो माइनस का एक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो माइनस का एक बन गया। अब ये बताओ, अभी हमने आपको नोट्स में लिखवाया है, बोला कि आप लिख लीजिएगा कि -1 to the power अगर विषम संख्या है तो वो हमेशा -1 देगा, और -1 to the power अगर सम संख्या है तो हमेशा +1 देगा। तो ये बताइए -1 to the power यहाँ क्या है, सम है कि विषम है? आप कहोगे सम है, और सम है तो ये हमेशा +1 देगा डिवाइडेड बाई 9। अब ये बताओ 9 से ये क्या है? 9 से ये छोटा है और पॉजिटिव है, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका शेषफल अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट यही हमारा शेषफल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन और इस टाइप पे देख लेते हैं जिसमें अंश का मान हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने कहा कि 7/51 ऐसे लिख दिया, या हमने लिख दिया कि हमने लिख दिया एक क्वेश्चन आपका ऐसे 28/31 ऐसे लिख दिया एक क्वेश्चन, और पावर यहां पे कुछ भी लगा दीजिए। जैसे आपने लगा दिया यहां पे 120, यहां भी हमने लगा दिया 120, कुछ भी पावर, दोनों के एक साथ देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप कहोगे कि सर अंश का मान बड़ा आ गया, तो आप पहले भाग दे दो, तो 7/49 बचा कितना, 2 बचा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2^120/7 लिख सकते हैं। और यहां अगर चले तो क्या होगा कि सर 28 + 28 = 29, 30 = 31, 3 बचा ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3^120/28 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहां देखो, अगर इसको हम 2^ ऐसे कर दें 2^3, तो ये 2 × 4 × 8 देगा, और 7 से 8 में भाग देंगे तो 1 शेषफल बचा कि नहीं बचा। और यही तो हम शुरू से करते आए हैं कि हमको 1 बचने लगे, क्योंकि 1 के ऊपर घात का कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 40 लिख देंगे। अब ये बताओ इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, और 8 अगर आई तो 7 से 8 में भाग दोगे तो शेषफल +1 आएगा, और +1 की पावर 40 करोगे तो +1, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। और यहाँ अगर चलते हैं तो आपको पता है कि 3^3 जो होता है वो 27 होता है, तो इसका मतलब हमको यहाँ क्यूब कर दें तो 27 आएगा, नीचे 28 आएगा, तो रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये बताओ यहाँ पे अगर हमको करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3^3 / ऊपर हम क्या कर देंगे आपका कितना कर देंगे हम आपका ऊपर 3 × 4 = 12 = 40 कर देंगे, यही तो होगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 28। अब ये बताओ 3^3 होता क्या है, 27, और 27 में 28 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नीचे वाला बड़ा है, ये एक छोटा है ना, एक छोटा का मतलब -1 आएगा, और -1 to the power even number, -1 to the power some संख्या क्या देता है, पॉजिटिव, तो ये +1/28 आ गया कि नहीं, और +1 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो चाहे अंश का मान छोटा हो या अंश का मान बड़ा हो, अंश का मान छोटा है तो हमको पहले डिवाइड करने की जरूरत, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, और अगर अंश का मान बड़ा होगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, पहले क्या करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा जहाँ पे अंश का मान छोटा हो जाएगा, और इसको हम फिर डायरेक्ट जिस तरीके से पढ़ते आए हैं कि हमको ऐसा बनाना है कि नीचे वाले से 1 ज़्यादा या 1 कम, और वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। का क्वेश्चन बनेगा जबकि थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको आपको समझना पड़ेगा कि टाइप 1 अभी तक हमने देखा जिसमें कि हम लोगों का अगर अंश का मान छोटा था तो हम डायरेक्ट कर दे रहे थे, और अगर अंश का मान हर से बड़ा था तो एक बार भाग दे रहे थे, फिर उसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ऊपर वाला नीचे वाले के बीच में 1 का अंतर आ जाए, और पावर के फॉर्म में उसको तोड़ के हम उसका आंसर निकाल ले रहे थे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए आ गया 2^123/10। अब अंतर क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन तो सेम लग रहा है कि सर जो वहाँ पढ़े थे और ये जो यहाँ है टाइप 1 में जो क्वेश्चन पढ़ा गया और यहाँ वाला क्वेश्चन, ये तो दोनों सेम है, तो फ्रेंड सेम नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एक चीज़ का अंतर यहाँ पे आ रहा है। जैसे वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, 2^123/9 पढ़ा था, अब ये बताओ या तो फिर आपने 2^123/7 पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। अब हमको एक चीज़ बताओ, क्या 2 जो है वो 9 से मतलब 9 को काट पाएगा कि नहीं, 9 को 2 से डिवाइड करें तो कटेगा क्या, यहाँ 2 से अगर 7 को डिवाइड करें तो कटेगा क्या, क्या इसके मल्टीपल में ये 7 आता है क्या, 2 के मल्टीपल में 9 आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं आता है। तो पिछले टाइप 1 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे जहाँ पे ऊपर वाले जो अंश की जो वैल्यू होती थी उसके मल्टीपल में नीचे वाला नहीं आता था। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर हमने तो ये देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ 10 है, तो इसमें क्या हुआ, ये तो 2 से कट रहा है जबकि यहाँ पे नहीं कटता था,
तो अगर ये कट रहा है तो ये टाइप क्या हो गया, टू हो गया। अब ध्यान से समझो, अगर ये कट रहा है तो इस केस में अगर इस तरह से आप सॉल्व करने जाओगे कि टू को ऐसा बना लें कि 10 से एक छोटा या एक बड़ा मिल जाए, तो 10 से एक छोटा एक बड़ा कभी बन ही नहीं पाएगा टू। आप कोशिश कर लेना 2 को बना के और 10 से भाग देना, कभी भी कोई केस नहीं आएगा जहां पे आपको शेषफल क्या मिले, एक मिले या माइनस का एक मिले। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे नीचे वाला टर्म और ऊपर वाले टर्म में फैक्टर्स सेम हो, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 मिलता है, तो दोनों में अगर सेम हो तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से यहाँ समझिए। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन मिल गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको काटना है। जैसे समझिए, जैसे 2 है, अब 2 को 123 बार है, तो हम 122 बार लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 2 को हम 122 बार लिख लिए और अलग से एक 2 का गुणा कर लिए, डिवाइडेड बाय 10, ये 2 to the power 122 और एक बार ये, तो टोटल मिलके 123 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, और डिवाइड बाय 10 कर लिया। अब ये बताओ, इस 2 से इसको अगर हम काट दें तो नीचे हमारा 5 आ जाएगा, मतलब कि 2 के घाते 122/5 हो जाएगा कि नहीं, होगा इतना। अब फ्रेंड्स हमने क्या देखा, अब ये पिछला वाला टाइप 1 का क्वेश्चन बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया ये 5 अब 2 के मल्टीपल में नहीं आता है, उसके उससे नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो अब ये बन सकता है। तो यहाँ आप जैसे ही लिखोगे वैसे ही आपको दिखेगा कि सर ये तो 2 है, और 2 के पावर 2, 2 to the power 2 की वैल्यू होती है 4, और यहाँ अगर 4 हो जाए तो वो 5 से एक कम होगा कि नहीं कम होगा, -1 हमको मिल जाएगा, और यही तो हम चाहते थे कि हमको -1 या +1 मिल जाए। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 to the power 2 लिखेंगे, क्लियर है। और 202 से इस 122 को करोगे तो 61 आएगा कि नहीं आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अब ये बताओ 2 to the power 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 whole to the power 61 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ अगर 4 में 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा, तो इससे ये एक कम है तो -1 आएगा, और -1 to the power even है या ऑड है, तो यहाँ 61 क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड है तो -1 to the power odd -1 होता है, डिवाइडेड बाई 5 होगा। अब ये बताओ -1 का कभी शेषफल होता है, तो आप कहोगे नहीं, और इसको प्लस में कैसे बदला जाता है, तो इसको प्लस में बदलने के लिए नीचे वाले से घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो हमारा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या 4 आंसर होगा क्या, तो नहीं, ये 4 हमारा गलत है, और जल्दीबाजी में हम लोग यही टिक करके एग्जाम में चले आते हैं, और पहला ऑप्शन वो एग्जामिनर क्या देगा आपको, 4 देगा, क्योंकि आपको पता है, उसको पता है कि आप भूल जाओगे। अब इसको याद रखने के लिए आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब हम ऐसे करते हैं तो 4 तो आ गया मेरा, लेकिन ये 4 कब आया, जब हमने 5 से डिवाइड किया, मतलब कि ये -1/5 था तब 4 आया, लेकिन ये 5 से डिवाइड करने के लिए यहाँ बोला था क्या आपसे, नहीं, क्या बोला था, ये 10 से डिवाइड करने के लिए बोला था, तो 10 को 5 बनाने के लिए आपने 2 से यहाँ भाग दिया था ना, तो 2 से जब आपने यहाँ काटा था, भाग दिया था, तो लास्ट में आपको 2 से फिर उसका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, पहले अगर हम 2 से भाग देते हैं या जो भी चीज़ें हम करते हैं, तो लास्ट में अगर 2 से भाग दिया है तो लास्ट में हमको फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नीचे हमको 10 बनाना है, 10 से भाग देना है, तो अगर ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, और ये हो जाएगा -2, 2 × 1 = 2, -2, और ये बताओ -2 10 में अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो +8 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर हम डायरेक्ट सोच लें कि सर यहाँ -2 से हम भाग दिए थे तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +8 आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज़ समझ गए कि सर अगर ये दोनों का मल्टीपल मतलब फैक्टर अगर कोई सेम है, अगर ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, तो उस केस में हमको पहले भाग देना पड़ेगा, भाग दे के उसको ऐसा बनाए कि इसका मल्टीपल इसमें ना आए, इसका फैक्टर्स इसमें ना आए। तो ये बन गया, और ये बन गया तो फिर हम जैसा टाइप वन पढ़े थे उस बेस पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते ही हमारा आंसर कितना आ गया, चार आ गया। अब आंसर अगर चार आया तो चार आंसर नहीं मारेंगे, क्यों? क्योंकि यहां हमने दो से भाग दिया था, याद रहे कि हमने यहां पे क्या किया है, टू से डिवाइड किया है। अब टू से यहां डिवाइड किया है तो लास्ट में हमको टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जाके जो आंसर आएगा वो हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और उठाते हैं, उससे आप और क्लियर हो जाएंगे। इसको आप लिख लीजिए न तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये टाइप टू का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से आप आ जाएगा, और आप अगर ये ध्यान नहीं दे पाए तो आप लगोगे इसको, इसका पावर बढ़ा बढ़ा के इसको चेक करने कि कब वन मिलता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे यहाँ से। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5 to the power 500 divided by 500, ये ले लिया। अब ये बताओ, आप यहां से देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये 5 से तो 500 कट जाएगा, इसका मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसका फैक्टर इसमें मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको आप खोलिए 500 को, तो आपको पता है कि 5 × 5 × 5 पांचम 25, पंचे 125, और 125 चौक को कितना होता है, 500। आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ लोग डायरेक्ट इसको खोल लेंगे, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, तो उनको क्या करना है, गुणनखंड आप निकालना जानते होंगे ऐसे, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 20 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 4 से कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 5 × 5 × 5 × 4, यही तो हमने लिखा। तो यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 to the power cube लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और इंटू ये 4। तो ये बताओ, इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 to the power 500 divided by 5 to the power cube into 4। हमने इसको तोड़ दिया, 5 की घातें 3 और गुड़े 4, 5 की घातें 3, 125 हो गया, 125 चौक को 500 बना दिया। अब ये बताओ कि ये 5 की घातें नीचे 3 और ऊपर 500, जैसे एक क्वेश्चन समझो, ऊपर x क्यूब होता है, नीचे x होता है, तो आप क्या कहते हो कि सर इसका घात 1 है, तो 1 घात यहाँ से हट जाएगा, तो ऊपर x के घातें 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स हमने लिख दिया, और नीचे एक्स था तो एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कटा तो एक्स स्क्वायर बच गया। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हमको समझना होगा तो यहाँ पे हम इसको या तो इसको क्या करें कि 3 घात यहाँ से हटा दें, इसका 3 घात इसके 3 घात को क्या कर देगा, कम कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये बचेगा 5 to the power 497 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 4 आ गया, यही तो बनेगा। इसका मतलब आपने क्या किया है, 5 to the power cube से ऊपर नीचे काटा है, भाग दिया है, और भाग दिया है तो यहाँ लिख लो कि आपने भाग दिया है किससे, 5 to the power cube से। अब अगर 5 की घातें 3 से हमने भाग दिया है तो लास्ट में हमको जाके 5 की घातें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ही 4 की घातें 97/4 आया, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे कि 4 से 5 में डिवाइड दो, तो 4 × 1 = 4 बचा कितना, 1 बचा, तो यहाँ पे हम 1 to the power 497 divided by 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और आपको पता है 1 के घात में कोई भी संख्या हो, 1 के पावर में कुछ भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा, तो ये 1/4 आ गया, आ गया। अब ये बताओ, 4 से ये 1 क्या है, छोटा है और पॉजिटिव है, तो शेषफल हमारा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो 1 शेषफल आ गया, लेकिन ये 1 शेषफल कब आया है, जब 4 से हमने इसमें भाग दिया है, अभी तो हमको यहाँ पे
500 होना चाहिए था, तो 500 होना चाहिए तो 5 के क्यूब से हमने भाग दिया था, तो 5 के क्यूब से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। और 5 का क्यूब होता कितना है, तो 125। तो ये बताओ अगर ऊपर नीचे हम यहाँ 125 का गुणा कर दें तो 125 चौक को क्या होता है, 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 125 का गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे 125 क्या आएगा, 125 आएगा। तो 125 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, 5 के घाते 500 बटे 500 था, हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, हमने देखा कि इसका फैक्टर इसमें मिल रहा है तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसको पहले तोड़ना है। अब देखो कितना कॉमन फैक्टर सेम है, तो हमने देखा कि यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 5, 500 बार है, यहाँ 3 बार है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 3 बार घट जाएगा, और जब घटा तो यहाँ कितना आ गया, 497/4। अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। अगर ये प्लस का 1 शेषफल आते ही हम क्या समझ गए कि ये शेषफल तो हो गया हमारा, लेकिन हमने जिससे भाग दिया था उससे गुणा भी तो करना है, तो 5 to the power cube 125 से भाग दिया था, यहाँ 125 से गुणा कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर टाइप 2 में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमको क्या देखना है, बस कि ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या कट रही है कि नहीं, अगर कट रही है तो हमको पहले उसका फैक्टर अलग करके घटाना है, मतलब भाग देके उसको हटा लेना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा फिर से उसका उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्लियर है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करके देखा जाए कि आपने अभी तक जो पढ़ा क्या उसका यूज आप यहां पे कर पा रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, एसएससी ने पूछा 5555 power 2222 डिवाइडेड बाई 7 plus 2222 power 5555। ये क्वेश्चन पूछा, यहाँ 4 times 5 दिया, power 4 times 2 दिया, यहाँ 4 times 2 दिया, power 4 times 5 दिया, डिवाइडेड बाई 7 होगा। इसको डिटेल में समझा जाए आराम से कि ये करना कैसे है। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि ये बीच में प्लस लगा है तो हम इसको अलग अलग दो बार लिख सकते हैं, 5555 power 2222 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 2222 power 5555 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे ये टाइप 1 का दूसरा वाला है ना, जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अंश का मान हर से क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो हमको पहले क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं पहले, तो ये बताओ 7 × 7 = 49 यहाँ गया, बचा कितना, 6 बचा, 7 × 7 = 49, 1 = 50 और 5 = 6 बच गया हमारा। अब ये 65 हुआ तो 7 × 9 = 63 होता है, बचा कितना, 2 बचा। अब ये 25 हुआ तो कितना होता है, 7 × 3 = 21 और 21 × 4 = 25, इसका मतलब हमको शेषफल कितना आया, 4, और 4 to the power 2222 हो गया और डिवाइडेड बाई 7 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 7 × 3 = 21 बचा 1, 12 हुआ, 7 × 7 = 7 बचा 5, 52 हुआ, 7 × 7 = 49 बचा कितना, 3, तो 3 to the power 5555 डिवाइडेड बाई 7 इतना करेंगे। अब ये बताओ फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा कुछ बनाना है कि जो 7 के मल्टीपल 7 से जब डिवाइड दें तो 1 ज़्यादा या 1 कम हो, मतलब शेषफल हमारा प्लस का 1 आ जाए या माइनस का 1 आ जाए। तो अब देखो, अब ये बताओ कि 4 4 to the power 3, 4 के घात में 3 की वैल्यू होती है 64 और 7 × 9 = 63 होता है, तो अगर 64 हम यहाँ बना दें तो 7 × 9 = 63 जाके हम कर सकते हैं अपना 1 शेषफल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको यहाँ से भी सोच सकते हैं कि सर 4 को हम 2 to the power 2 लिखकर और ऊपर 2 2 2 2 2 ना लिख दें, एकदम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई होके 2 to the power 4 4 4 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ पे अब आपको 2 का क्यूब तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 to the power cube क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ जब 8 हो जाएगा तो 7 से 8 में भाग देंगे तो शेषफल 1 मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप 2 के फॉर्म में भी जा सकते हैं या आप 4 के भी तरीके में जा सकते हैं, हम 4 वाले से आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको पता है कि 4 का क्यूब करना है हमको, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब लिखा तो यहाँ हमको क्या लिखना है, क्योंकि इनका इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आना चाहिए, तो 3 से इसमें डिवाइड करके देखिए। तो ये बताइए यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 3 × 7 = 21, 21 गया, बचा 1, 12 हुआ, 3 चौको 12 हो गया, अब बचा 2,
दो बचा तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 740 हम कर देंगे क्योंकि दो नहीं जाएगा। अब दो अभी भी बचा तो यहाँ चार हमको दो बार और लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये लिखेंगे हम। क्लियर है यहाँ तक? और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 7। यहाँ से अगर जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ 3 to the power क्या लिखें। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, तो ये बताओ कि 3 to the power 3 होता है 27, और 7 से करोगे तो 7 चौको होता है 28, तो 28 अगर बार जाएंगे तो 27 एक कम है तो माइनस का एक आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 to the power 3, और पावर में कितना लिखेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, बचा कितना 2, 25 हुआ, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, बचा 1 = 15, 3 × 5 = 15, और बचा कितना अभी भी 5, तो 3 × 1 = 3, और बचा कितना 2, तो 3 को दो बार हमको लिखना पड़ेगा यहाँ, 3 × 3, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ से देखिए, अब ये बताइए 4 to the power 3 कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 64 होता है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 64, और 64 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 9 = 63, अभी भी कितना बचा 1, तो +1 बचा, और +1 बचा तो +1 to the power 740, 1 की घात 1 बचा ना यहाँ से 1, और 1 की घात में 740 लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही आएगा, और इंटू ये 4 × 16 है तो 1 में 16 का मल्टीप्लाई होगा तो 16/ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और 16/ अगर 7 आया है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 7 × 2 = 14, बचा कितना 2, तो 2/7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, तो ये क्या देगा 27, और 7 × 24 = 28 होता है ना, 7 × 24 = 28 होता है, तो उससे एक कम है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, -1। और ये बताओ कि -1 के पावर कितना लिखा है, ये 1851, तो -1 के पावर 1851 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, आप कहोगे विषम संख्या है, तो -1 to the power विषम कितना देगा आपको, -1 देगा, तो इसका मतलब ये पूरे की जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, -1। तो ये बताओ यहाँ से अगर करें -1 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9/ क्या हो जाएगा, 7, तो ये कितना आएगा, तो -9/7 आएगा, कितना आएगा, यहाँ ऊपर लिख रखते हैं -9/7 आ गया। अब ये बताओ 7 में 9 से डिवाइड करोगे, माइनस को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, आप इधर कर दीजिए, तो 7 में 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा शेषफल, तो 7 × 7 = 7, बचा कितना 2, तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो -2 रिमाइंडर आ गया, और -2 अगर आ गया तो कभी शेषफल माइनस में होता है क्या, आप कहोगे नहीं, किस में होता है, प्लस में होता है, तो प्लस में करना होगा तो हम +5/7 करेंगे कि नहीं, मतलब 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से अब हम देखो इसकी वैल्यू, इसकी इतने की वैल्यू क्या आ गई आपकी, शेषफल क्या आ गया आपका, 2 आ गया, और इसका शेषफल आपने यहाँ से क्या निकाल लिया है, यहाँ से आपने 5 निकाल लिया है, और बीच में कौन सा सिंबल है आपके, बीच में प्लस है, तो 5 + 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर 7 और नीचे 7, तो 7 से 7 में डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा फ्रेंड्स, 0 बचेगा ना, क्योंकि हमने इसको जब सॉल्व किया इस सेक्शन को, मतलब इतने बटे इतने को, तो हमारा 2 शेषफल आ गया, और इतने को यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 5/7 5 आ गया, तो 5 ये और 2 ये दोनों मिला के यहाँ बीच में प्लस है तो 5 × 2 कितना हो गया, 7/7, तो 7 से 7 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर है? जिन बच्चों को डाउट होगा एक बार इसको रिवाइज करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जिसको आप खुद कर लेना, और उसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, और आप चेक कर लेना कि आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे क्वेश्चन है 3 to the power 4 + 4 to the power 3 divided by 5, इसको आप सॉल्व करिएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 0,
इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा ये आपसे हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे पहले आप 3 to the power 4 4/5 करके अलग से कर लीजिएगा और 4 to the power 3 3/5 करके कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो थ्योरम। जो दो थ्योरम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उस टाइप के अगर क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन उठाए देख के। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए कि फर्मेट्स थ्योरम। ये हो गया हम लोग का फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इसको समझिए। अब देखो, अब हिंदी मीडियम वाले ये सोच रहे हो कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम था, तो फर्मेट्स उनका नाम था, तो फर्मेट्स और थ्योरम को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रमेय कहते हैं। तो आप फर्मेट्स प्रमेय लिख लेना, हिंदी में भी यही होगा। क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है। तो देखो आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में दिया जाता है, a^p-1/p। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर होता है, इसका जो शेषफल आता है, वो शेष हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव का 1 आता है। किस फॉर्म में होना चाहिए, a^p-1/p। जहां पे आप लिख लेना कि p बराबर क्या होगा, तो p से क्या बनता है, तो p से बनता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब हो गया कि p एक अभाज्य संख्या है, p को प्राइम नंबर होना चाहिए, और p और a आपस में को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब आप क्या पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए ये आपस में। अब सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। क्लियर है। जिसको डाउट हो क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर आप देखिए जाके यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, तो पी और ए का फैक्टर अगर HCF 1 होगा। अच्छा, ये कभी सोचा है कि HCF 1 यहाँ क्यों आएगा, इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई समानता नहीं होनी चाहिए, कोई भी फैक्टर इनका सेम नहीं आना चाहिए, इनके बीच में कोई नंबर सेम नहीं होने चाहिए, इसीलिए इनका HCF क्या आएगा, 1 होगा। और ये कौन सी संख्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ आपके लिए, क्वेश्चन ये था मेरा कि नीचे एक प्राइम नंबर ले लिया 101 प्राइम होता है कि नहीं होता है, होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ 101 है, तो यहाँ पे आप जो भी संख्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख लिया, 2 और 2 के पावर पे क्या होगा, तो पावर पे इससे एक छोटा p-1 होता है, p-1 मतलब ये जो p है उससे एक कम होगा। तो यहाँ अगर 101 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 होगा। अगर इस फॉर्म का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर इसका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, कोई भी हो। जैसे एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 to the power 390, ऐसे लिख लेते हैं 4 to the power, यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम आपका 1001, कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है तो आपका रिमाइंडर तुरंत क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा। नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि अगर नीचे 73 लिखा है, 73 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो, 5 लिखा हो, 5 की पावर 72 लिखा हो, 2 लिखा हो, पावर 72 लिखा हो, 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, क्यों, क्योंकि जब 73 किसी से कटता ही नहीं है तो यहाँ कोई भी आप नंबर ले लोगे तो उससे भी 73 नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो जब दोनों में कोई समानता ही नहीं होगी तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो जब यहां आपको प्राइम, आप यहां पे कोई भी एक प्राइम नंबर लिखेंगे तो यहां आप कुछ भी ले सकते हैं, बस 73 ना लीजिएगा, आप कुछ भी ले लीजिए, उसके पावर में इससे एक कम होना चाहिए, तो इसका हमेशा शेषफल कितना आएगा, प्लस 1 आएगा।
अब आप कहेंगे कि सर क्या याद कर लें, क्या ये होता है, क्या ये कोई प्रूफ है, या कैसे हम एक बार अपने आप को तसल्ली दे कि हाँ ऐसा होता ही होगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा नंबर उठा के हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे आइए यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि एक 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप कहोगे है। हमने कहा 2 to the power क्या लिख लें, अब बताओ। अब यहाँ हमने 5 लिख दिया तो 2 के पावर में हम क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि यहाँ 5 है तो उससे एक छोटा ऊपर लिखो आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ चमक तो नहीं रहा है आप लोगों को, अगर चमक रहा होगा तो हम किनारे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर 2 to the power 4 नीचे क्या लिखा था हमने, 5 लिखा था, ये लिखा था भाई। यहाँ पे हमने प्राइम नंबर 5 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया और 5 से एक कम होना चाहिए था, यहाँ 4। अब ये बताइए 2 to the power 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 to the power 4 होता है 16, होता है कि नहीं, और 16/5 लिख देंगे हम, और 16/5 है तो 5 × 3 = 15 बचेगा कितना शेषफल, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, डाउट है क्या, क्लियर है। एक और ले लेते हैं आपके लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 7 ले लिया तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 कैसी संख्या है, एक प्राइम नंबर है, तो आप क्या कहोगे 2 to the power 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 64 होती है, तो 64/7 होगा कि नहीं होगा। अगर 64/7 होगा तो 7 से 64 में डिवाइड करेंगे तो 7 × 9 कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास, 1 बचा। तो यहां से भी तो हमारा शेषफल 1 आ रहा है, इसका मतलब हम ऐसी कोई भी संख्या नीचे अगर प्राइम ले लें और ऊपर कुछ भी हो उसके पावर में नीचे वाले से 1 कम होगा तो डायरेक्ट हम आंसर क्या मार सकते हैं वहां पे, +1 मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि फर्मेट्स थ्योरम में ऐसा कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो हमको वहाँ कुछ इफ्ट सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है कि फ्रेंड्स इसी में एक थ्योरम और होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं विल्सन थ्योरम। क्या कहते हैं, विल्सन, जैसे कि आपको नाम भी पता है कि विल्सन किसी ना किसी का टाइटल नेम होता है, तो विल्सन एक इंजीनियर थे, उन्होंने ही सॉरी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट ढूंढा कि विल्सन थ्योरम। अब ये किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं इसको समझिए, तो होगा क्या कि इन्होंने कहा कि फैक्टोरियल p-1/p अगर ऐसे लिखा हुआ कोई क्वेश्चन मिल जाए तो इसका शेष जो होता है, इसका जो शेषफल बचता है वो हमेशा p-1 बचता है। p-1 का मतलब ये जो इसके फैक्टोरियल के अंदर जो ये p-1 होगा यही शेष बचेगा, इसका हमेशा यही शेष बचेगा। जैसे अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर 101 लिखा है और ऊपर फैक्टोरियल में क्या लिखा है, 100। अब देखिए ये इस फॉर्मेट को एकदम कॉपी कर रहा है कि नहीं, सेम इसी फॉर्मेट पे है कि प्राइम नंबर है और इससे एक छोटा यहाँ फैक्टोरियल के अंदर है, तो क्वेश्चन फैक्टोरियल में ऐसे भी आ सकता है और आपको पता है कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी आए तो इसको भी फैक्टोरियल कहा जाता है, इसको भी फैक्टोरियल कहा जाता है, तो इस केस में शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल p-1 मतलब ये जो फैक्टोरियल के अंदर होता है यही शेषफल बचता है, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 100 बचेगा, यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 100 बचेगा। क्लियर है, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 73 हो, फैक्टोरियल के अंदर 72 हो, तो शेषफल क्या बचेगा, 72 बचेगा। अब आते हैं कि एक क्रॉस चेक कर लिया जाए सर इसको भी कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एकदम इसको क्रॉस चेक किया जाए। अब जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया कि 5, और यहाँ जब 5 लिया नीचे तो यहाँ अंदर क्या लेंगे हम, 4 लेंगे, 4 ले लिया। अब इसका शेषफल हमेशा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये हमको चेक करना पड़ेगा। अब ये बताओ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता देंगे कि क्या होती है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, 24 होती है। अब जिसको नहीं पता है वो हम लोगों ने नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर में भी बात किया था, आप वहाँ से देख लीजिए। वैसे मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि फैक्टोरियल 4 को जब खोला जाता है तो 4 × 3 × 2 × 1 एक एक कम होते हुए 1 तक जाती हैं संख्याएं, तो 4 × 3 = 12 × 2 = 24 से कम 24, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 24/5 क्या हो जाएगा, 5। अब ये बताओ 5 × 4 = 20 तो बचा कितना भाई मेरे पास, 4 ही तो बचा, और यही 4 तो हमने पहले ही बता दिया होगा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते थे कि सर यहाँ नीचे 7 लिख दें ऊपर 6 लिख दें। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है अगर यहाँ हम 6 कर दें तो यहाँ पे इंटू 5 और इंटू 6 एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 6 से शुरू होगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 720। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720। तो ये बताओ 720 बटे 7 कर देते हैं, तो 7 इकन्नम 7 गया और 7 दूना 14 गया, 14 जाते ही कितना बच गया, 6 बचा कि नहीं बचा, और यही तो 6 यहाँ पे था। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि नहीं कि हमारा फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू होती है ये वाली, यही शेषफल बचता है। तो विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं, विल्सन थ्योरम कहते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या मारना होगा कि जो यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ वैल्यू होगी वही आपका शेषफल बच जाएगा। क्लियर है। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो हमको कैसे एग्जाम में डील करना है। तो फ्रेंड्स एक टाइप का इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 22 टू दी पावर 22 टू दी पावर 42 और डिवाइडेड बाय 9। अगर पावर के ऊपर पावर दे दिया जाए, अभी तक हमने सिंगल पावर पढ़ा कि कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर पावर दिया जाए तो कैसे कर सकते हैं। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें पावर के ऊपर पावर दे देगा तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो इसको समझिए। जैसे अब हमको करना क्या है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो वहाँ क्या करना है कि ये जो भी घात होगा, जो भी पावर होगा, इसको हमको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, जो भी पावर होगा इन दोनों पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद लिखना क्या है, तो जो शेषफल आएगा वो लिखना है। जैसे हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है वही लिखते हैं, तो यहाँ भी हमको वही सेम काम करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे तो ये 22 को तो पहले लिख लेते हैं ऐसे 22, अब यहाँ क्या होगा 22, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 बचा कितना, 2 बचा। यहाँ क्या होगा तो 42 को करेंगे तो 4 दहा में 40 बचा कितना, 2 बचा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 22 टू द पावर 2 टू द पावर 2। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 22 टू द पावर 2 और पावर अगर 2 ऐसे होता, ये कोष्टक लगा होता, तो यहाँ 2 और 2 का गुणा होता और ये 22 टू द पावर 4 हो जाता, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, 2 × 2 होता। लेकिन जब ये ना लगा हो, ऐसे ना लगा हो, मतलब ऐसे लिखा हो 22 टू दी पावर 2 पावर 2, तो ये जो होता है ये क्या होगा, 2 टू दी पावर 2 होगा, और 2 टू दी पावर 2 का मतलब कितना होगा, 4 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 तो यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि यहाँ अगर 3 होता, जैसे ध्यान से समझिए 3 होता, तो यहाँ तो आप 2 × 3 कर देते, आप क्या कर देते 2 × 3, और 2 × 3 करते तो ये कितना आ जाता, ये आपका 6 आ जाता। लेकिन जब यहाँ आते और ये 3 लिखा होता, ये कोष्टक ना होता, तो 2 टू दी पावर 3 होता, और 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा, मतलब 2 × 2 × 2, और ये कितना बना देता आपका, 8 बना देता। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि यहाँ पे कोष्टक लगा है कि नहीं लगा है। ब्रैकेट लगा है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये पावर के टर्म में खुलेगा, मतलब 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 जा कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा 4, तो 22 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ क्या होगा, 9 से 22 बड़ा है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 9 दुना 18, 18 4 22 होता है, तो 4 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ तक हो रहा होगा, क्या किया हमने, इसको 4 से डिवाइड किया, जो शेषफल बचा वो लिख लिया, और 22। अब अंश बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम लोग टाइप 2 में इसकी बात कर चुके थे कि हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड जब हमने किया तो यहाँ 4 से शेषफल आया, पावर 4 था बटे 9 हो गया। अब ये बताओ कि अगर 4 टू दी पावर 3 कर दें और इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 कर सकते हैं कि नहीं, 4 टू दी पावर 3 × 4 / 9 कर सकते हैं, तो ये 4 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 × 4 / 9 हो जाएगा।
और 9 से 64 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 9 63, बचा कितना, 1 बचेगा। और 1 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा और पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा और 9 से छोटा होगा तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक कि अगर पावर पे पावर आएगा तो पहले 4 से डिवाइड करके पावर छोटा कर लेते हैं और फिर जैसे अभी तक करते आए थे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम और यहाँ करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि 32 पावर 32 और डिवाइड बाई, अगर डिवाइड बाई यहाँ पे आपका हो जाए 7 तो क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये बताओ आप सबसे पहले कि 32 को 4 से, यहाँ 32 वाला ये वाला तो आप डिवाइड करके लिख लो, पहले इसको छोड़ दो, आप इसको डिवाइड करो क्योंकि अंश बड़ा है, तो 7 चौक 28 28 4 32, तो यहाँ तो 4 आ गया, डिवाइड बाई 7 हो गया। ये तो यहाँ का कॉन्सेप्ट, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। ये अब बात आती है पावर को, तो पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करके छोटा करना है, जो शेषफल आएगा वो लिखना है। तो ये बताओ यहाँ पे अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा पूरा कट गया, अब पूरा पूरा कट गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट में कि अगर 4 से पूरा पूरा कटेगा तो वहाँ 0 ना लिख करके शेषफल क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे शेषफल, ये दोनों पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ भी शेषफल 4 और यहाँ भी शेषफल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये बताओ 4 to the power 4 है ना, ये क्या है, 4 to the power 4, और 4 to the power 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 to the power 364 और इंटू 4 256 हो जाती है, यही तो होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 to the power 256 और डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा। और अब तो ये पहला वाला टाइप का क्वेश्चन बन गया कि सर अब 4 को हम 64 कर दें तो 7 9 63 हो जाएगा, और 4 को 64 कैसे कर सकते हैं, तो 4 to the power cube करके। तो ये बताओ अब 4 to the power हमने यहाँ क्यूब कर दिया और 3 करते ही अब यहाँ क्या लिखना है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 8 24 हो गया, बचा कितना 1, 16 हो गया, 3 5 15 हो गया, अभी भी बचा कितना 1, तो इंटू 4 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। ये 4 to the power 3 कितना हो जाएगा, 64 to the power 85 और इंटू 4/7 हो जाएगा। अब इससे इसको करोगे तो 7 9 63, बचा कितना प्लस का 1, प्लस 1 to the power 85 1 ही देगा, तो 1 into 4/ क्या आएगा 7, तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 4 आ गया। तो अगर पावर के पावर पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या करना है, 4 से आपको डिवाइड करके पावर को छोटा कर लीजिए और जैसे आप अभी तक करते आए हैं वैसे आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करना है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इतने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिन पे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं ये हमने कवर कर लिए इस वीडियो में। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट लाएंगे हम लोग जो कि जस्ट इसके बाद आप देख पाओगे कि उसमें आपको क्या करना होगा कि उसमें इसके अलावा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से हमको चलना है, बट इन्हीं का यूज करके या इनके अलावा भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर हमको कॉमन सेंस का यूज करके उस क्वेश्चन को किया जा सकता है, उस टाइप का हम लोग पार्ट 2 रिमाइंडर थ्योरम का लेके आएंगे और उसमें हम लोग 1 से 1.5 घंटे की क्लास में फिर से देखेंगे कि इसके आगे के क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो हम कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप इसको नोट्स बना लीजिए, इसके आगे जल्द जल्द ही आपको इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा। थैंक यू।